बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार बंगाल में पिट गए। मंत्री जी के साथ ऐसा सलूक क्यों और किसने किया, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा की तारापीठ के एक होटल में जबरदस्त पिटाई, क्या है सच्चाई? मंत्री के नजदीकी लोग बताते हैं कि मंत्री जी की खुद तो पिटाई होटल में नहीं हुई, लेकिन उनके सुरक्षाकर्मी और साथ में उनके ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गए। आखिर ऐसा बवाल क्यों हुआ, क्या है मैनेजर का कहना, सुनते हैं। ऑनलाइन बुकिंग उनारा 10-12 जन चले एलें, उनादेर संगे सिक्यूरिटी छिलो, तो उनी उनारा पुरो ड्रिंक्स करेछिलेन, मद अवस्थाय छिलेन, उनारा एसेई बोलछेन जे आमरा एखाने थाकबो ना, आमादेर जेटा बुकिं आछे अनलाइने आमादेरके टाकाटा फेरत दिये देन। दरअसल मंत्री जी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे तारापीठ। ऑनलाइन होटल की बुकिंग की गई थी सोनार बंगला में, लेकिन वहां पर जो सुविधाएं मंत्री जी को चाहिए थी वो लदारक थी, इसी पर बिफर गए मंत्री जी। और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में पूरी तरीके से साफ है, मंत्री जी पैसा वापस चाह रहे थे, इसी बात को लेकर जबरदस्त नोकझोंक शुरू हुई। यहां तक कि मंत्री के साथ के लोगों ने लाठी और डंडे से आक्रमण भी किया और होटल के दूसरे स्टाफों ने मिलकर के मंत्री जी के साथ आए उनके सुरक्षाकर्मी और उनके ड्राइवर की जबरदस्त पिटाई भी कर दी। इस पूरे हमले में मंत्री जी को खुद खरोंच तो नहीं आई, उनके पीए का ये भी कहना है कि मंत्री जी की पिटाई नहीं हुई, क्या कहना है उनके सुरक्षा गार्ड का, सुनते हैं। स्टाफ लोग हम लोग पर रोड चला के मार दिया, तो आप लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे? बुक करने के लिए गए थे होटल, तो फिर क्या हुआ लोग थे हम लोग पर। पश्चिम बंगाल के तारापीठ में मंत्री जी के जाने की सूचना मंत्री जी के मुताबिक एक प्रोटोकॉल के तहत आता था और इसकी जानकारी पहले ही प्रशासन को दे दी गई थी, लेकिन स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल इस पूरे मामले में एडीएम स्तर की एक इंक्वायरी गठित हो चुकी है। पटना से कैमरामैन निशांत के साथ शिव पूजन झा, इंडिया न्यूज। और सुनो इंडिया में यहाँ पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।